Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखो किंचुक, मैंने अभी तक पूर्वी को नहीं बताया कि ओके, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है तो पूर्वी को तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। जो करना है मैं करूंगा, और वो भी सही वक्त आने पर, और फिलहाल सही वक्त नहीं आया। इट्स ओके ओनर, सही वक्त आने पर पूर्वी को सब पता चल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, है ना? ओके, तुम्हारे उस सही वक्त का इंतजार हम भी करेंगे। बाय। एक बात याद रखना ओनर, तुम्हारा सही वक्त आने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ जितनी जल्दी निपट जाए ना उतना ही अच्छा है। May I come in? Mr. Deshmukh, please come in. हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। Please sit down. Thank you. Thank you so much, doctor. आप मेरी वाइफ अर्चना का ट्रीटमेंट करने यहाँ आ गए, वरना I can understand your feelings, Mr. Deshmukh. On the contrary, Dr. Gauri ने जो Mrs. अर्चना देशमुख के केस की जो फीडबैक दी है वो काफी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पॉइंट हमें उन्हें कोमा से बाहर निकालने में काफी मदद करेंगे। राइट सर, जितना मैंने आपसे सीखा है मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अर्चना जी ने जो भी साइंस दिखाए हैं काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैंने मशीन को बीप करते हुए सुना, और उस दिन जब मैं उनके पैरों की मालिश कर रही थी तो उनके हाथों के पास रखी हुई कटोरी अपने आप नीचे गिर गई, और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ क्योंकि उस दिन उस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। डॉक्टर के गौरी, एक बात बताइए, जिस वक्त वो बोल नीचे गिरा था उस वक्त आप अर्चना जी से क्या बातें करनी थी? सर, मैं उनसे नॉर्मल बातें कर रही थी, जैसे कि उनकी हेल्थ के बारे में, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में। नहीं नहीं उस गौरी, मैं कहने का मतलब है कि आप अर्चना जी से किस विषय पर बात करनी थी, किस शख्स के बारे में बात करनी थी, कौन से इवेंट के बारे में बात कर रही थी, या फिर कौन सी ऐसी स्पेशल जगह थी जिसका आप जिक्र कर रही थी? By the way, अर्चना जी, I'm really sorry. मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए क्या क्या नहीं कहा, गुंडा, मवाली, पर मैं क्या करूं? मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता कि वो आपका बेटा है। Oh, yes. सर, याद आया। मैं उनसे उस गुंडे के बारे में बात कर रही थी। ये गुंडा कौन? सर, वो अर्चना जी का बेटा है। सोहम? यस। सोहम वो ये वही लड़का है जो उस दिन पार्टी में घुसाया था और काफी हंगामा हुआ था? यस सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इससे पहले भी मैं आपसे उसकी शिकायत कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे उससे और नहीं उलझना है। इट्स ओके डॉक्टर गौरी, मैं समझ सकता हूँ, और मैं सोहम को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें सोहम की गलती होगी। नहीं सर, वो एक्चुअली इट्स ओके डॉक्टर गौरी, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो अब तुम्हें आगे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। एनीवे मिस्टर देशमुख, टेक इट इजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्चना जी के केस में मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूँ, एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट आई वांट टू डू ऑल द प्रिपरेशन, आई वांट टू गो थ्रू द केस वंस अगेन। डॉक्टर गौरी, हमारे सारे स्टाफ को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, मेडिकेशन तैयार रखिए,
And please do all the preparation before I start the experiment. Sure, sir. And Mr. Deshmukh, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, अ मेजर रोल टू प्ले. जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगी, मैं चाहता हूं कि अर्चना जी के पास में आपके सारे फैमिली मेंबर्स हों, स्पेशली वो जो अर्चना जी के बहुत करीब थे. मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माय बेस्ट, बाकी भगवान के हाथ है. डॉक्टर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और डॉक्टर्स भी तो भगवान समान होते हैं. मिस्टर देशमुख, मैं भगवान नहीं हूं. डॉक्टर, जितनी उम्मीद हमारी भगवान से जुड़ी है, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद आपसे जुड़ी है. यूं समझ लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में दे रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे. I'll try my level best. आहा, हम परी की मालिश करेंगे, इससे परी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी. उसके बाद हम परी को टेरेस ले जाएंगे धूप सिखाने के लिए. अनिरा, गिली जॉन, आप इसको इस टॉवल में लपेट के ले जाइएगा, ठीक है? ओके. तक मैं इसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ. आराम से. परी को भी हम लपेट देंगे. फोन भी. हेलो, क्या है? ओनर, मुझे तुम्हें मिलना है, अभी के अभी. मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे पास वक्त नहीं है. लुक ओनर, इट्स वेरी अर्जेंट. और रही बात वक्त की, वो मेरे पास भी नहीं है. अभी परी ऊपर धूप सेकने जाएगी, है ना? लेकिन मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, जब तक पूर्वी इस चीज से अनजान है, तब तक मैं. हाँ, वो फाइल आप देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो फाइल मैं कंप्लीट करके आपको दे दूंगा. पूर्वी आई है ना? हाँ, कल शनिवार है तो कल से फिर से काम शुरू करता हूँ मैं. अच्छा, अर्जेंट है तो काम करते हैं. हम लोग बाहर मिलते हैं, और अब तक मैंने उस फाइल पे जितनी मेहनत की है वो मैं आपको फाइल हैंडओवर कर दूंगा. बाकी जो काम बचा है वो मैं मंडे आके कंप्लीट कर दूंगा. वुड दैट बी ओके विद यू? ये ठीक है. मैं तुम्हें इसी होटल के कॉफी शॉप में मिलूंगी. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. यप, बाय. सॉरी पूर्वी, एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है. इट्स ओके ऑनर, काम के लिए जा रहे हैं ना, आप जाइए, परी को धूप मैं दिखा दूंगी. थैंक यू. बाबा बाबा, डॉक्टर अग्रवाल आपको मिले, बात हुई आपकी? हाँ तेजू, मैं अभी अभी उन्हीं के कैबिन से आ रहा हूँ. अच्छा सुन तेजू, डॉक्टर अग्रवाल आज अर्चना पर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले. बाबा बाबा, इसका मतलब आई फिर से अच्छी हो सकती है? हाँ, डॉक्टर्स ने तो ऐसे ही कहा. मेरी बात ध्यान से सुन, डॉक्टर ने उन सारे फैमिली मेंबर जो अर्चना के करीब हैं उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया. अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुझे मेरा आधा काम करना हो. बाबा आप इतनी फॉर्मेलिटी को कर रहे हैं, बताइए ना क्या करना है, मैं करूंगी. तू एक काम कर, आई और बाकी सारे परिवार वालों को ये खबर दे दे, और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लेकर आ. मैं तब तक सुलोचना के घर जाकर उन्हें लेकर आता हूँ. ठीक है बाबा, मैं सबको लेके वहां पे पहुंचती हूँ. ठीक. अर्चना जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द कोमा से बाहर आएंगे. और हाँ, मुझे डॉक्टर अग्रवाल पर पूरा भरोसा है कि वो आपको जल्द से जल्द कोमा से बाहर निकालेंगे. लेकिन हाँ, इसके लिए आपको भी हमें कोऑपरेट करना होगा. जैसे उस दिन वो कटोरी गिराई थी, बिल्कुल वैसे ही कुछ और पॉजिटिव साइंस दीजिए, और फिर देखिए कि आप कितनी जल्द कोमा से बाहर आती हैं.
आई होप कि आपने मुझे माफ कर दिया हो। मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए इतना भला बुरा कहा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।